हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर और आप देख रहे हैं ऑल इज नॉट ऑब्जेक्टिव चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से पूछूंगा 10 क्वेश्चंस जो कि सामान्य ज्ञान के हैं। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन 10 में से सही हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सारनाथ का शेर किसे समर्पित किया गया है? सारनाथ का शेर किसे समर्पित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। ए ऑप्शन है कनिष्क, बी ऑप्शन है हर्ष, सी ऑप्शन है अशोक और डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको सोचने के लिए थोड़ा समय मिल जाता है। अब मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि अशोक। ठीक है, सारनाथ का जो शेर है वो अशोक को समर्पित है। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। दो नंबर क्वेश्चन है वो है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ऑप्शन आपके सामने है 1910, 1931, 1916 और 1923। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कहीं कहीं आपको 1911 देखने को मिल सकता है। देखिए कमेंट, बाद में कमेंट मत कीजिएगा कि यहाँ 1911 बनी है। देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से पढ़ लीजिए, बाद में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए 1911 में जो है वो दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने इसकी जो है राजधानी दिल्ली होगी कोलकाता की जगह, ये बात का आधारशिला रखी गई थी। लेकिन आधिकारिक रूप तौर पर, आधिकारिक तौर पर या आधिकारिक रूप से 1931 में यानी 13 फरवरी 1931 को जो है वो दिल्ली कोलकाता की जगह भारत की राजधानी बनी। ठीक है, तो आप कमेंट मत कीजिएगा कि 1911, देखिए 1911 है लेकिन 1911 आधिकारिक रूप से नहीं थी, या फिर लेकिन आधिकारिक रूप से दिल्ली को राजधानी का जो दर्जा है वो 1931 को मिला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो तीन है, तीन नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? तो देखिए पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो आपके ऑप्शन आपके सामने है बृहस्पति, शुक्र, बुध और मंगल ग्रह। तो आप आंसर जो है वो सोच लीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शुक्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चार की तरफ। चार नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है मक्का, सी ऑप्शन है सरसों, डी ऑप्शन है अनाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप अपना आंसर जो है वो सोच लीजिए। तो इसका राइट आंसर अब मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है मक्का। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच की तरफ। पाँच नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, पाँच नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सरकार के अधीन कब किया गया? देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सरकार के अधीन कब किया गया? ऑप्शन आपके सामने, ए ऑप्शन 1945, बी ऑप्शन 1949, सी ऑप्शन 1952 और डी ऑप्शन 1956। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं और आप अपना आंसर सोच लीजिए। अब मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। ठीक है, पाँच नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1949। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार के अधीन जो है वो कब किया गया, 1949 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर छः की तरफ। ये क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पिछले एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, ये टेस्ट आपको देना चाहिए। कपड़ा उद्योग के बाद भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? देखिए कपड़ा उद्योग के बाद जो भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, चीनी, जूट, सीमेंट और लोहा और इस्पात। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छः नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, लोहा और इस्पात, यानी आयरन एंड स्टील। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सात की तरफ। सात नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देख लीजिए, राष्ट्रपति निम्न में से किसे नियुक्त नहीं कर सकता? देखिए प्रेसिडेंट जो है वो किसको अपॉइंट नहीं कर सकता, आप देख लीजिए इनमें से। और ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राज्यपाल, सी ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और डी ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति। तो आपके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो अब आप अपना आंसर जो है वो सोच लीजिए। सात नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि राज्यसभा के सभापति को नियुक्त नहीं कर सकता, बाकी को नियुक्त कर सकता है। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर आठ की तरफ। आठ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रध्वज का डिज़ाइन संविधान में कब अपनाया गया? राष्ट्रध्वज का डिज़ाइन संविधान में कब अपनाया गया? ऑप्शन आपके सामने है, जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 और जुलाई 1949। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आठ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि जुलाई 1947। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नौ की तरफ। नौ नंबर क्वेश्चन जो है वो नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, नई दिल्ली, देहरादून, जयपुर और आगरा।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सोच लीजिए। अब मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। नौ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा नई दिल्ली। नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले एशियन खेल कहाँ आयोजित किए गए, तो कहाँ पर आयोजित किए गए थे एशिया खेल, चीन, इंडिया, पाकिस्तान या ईरान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इंडिया। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और 10 में से आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो कैसा लगा ये वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।